डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम रोटीफ्रा के डाइजेस्टिव फीडिंग सिस्टम और दूसरे ऑर्गेन सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे रोटीफर्स रोटीफर्स का फूड क्या है स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि इसके इर्द गिर्द मौजूद होंगे अब इसमें मोड ऑफ फीडिंग क्या है इसका हेड हेड के गर्द कोरोना मौजूद है कोरोना के गर्द सिलिया हैं सिलिया कंटिन्यूसली बीट करेंगे और वाटर के अंदर जो भी स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ये ट्रैप करके माउथ में ले जाएंगे अब माउथ में ले जाने के बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं मेस्टेक्स मेस्टेक्स क्या है जा की तरह स्ट्रक्चर हैं जिस तरह हमारी बॉडी में जॉज़ हैं ये फूड को होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद फिर लेकर जाते हैं इसी तरह से इसके माउथ में भी जॉज जो हैं फूड को माउथ में ले जाएंगे माउथ में ले जाने के बाद फूड जो है वो फिर फेरेंगस में एंटर होगा मैस्टिक्स जो हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर हैं ये फूड को ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसकी इनर वॉल्स जो हैं नॉर्मली दे कंटेन सेवरल सेट्स ऑफ जार्स जिसको हम कहेंगे ट्रोफाई अब ये ट्रोफाई जो हैं दे आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज़ और टेक्सोनिस्ट जो हैं इन ट्रोफाई की बेस पे इसकी डिफरेंट क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं. फूड जो है मेस्टस के थ्रू सिलियटिड फेरेंग्स फेरेंग्स से फिर इसोफेगस इसोफेगस जो है इसकी वॉल्स जो हैं दे आर अगेन लाइंड विद द सिलिया ये सिलिया जो है फूड को कंटिन्यूसली बीट करेंगे फेरेंग्स की वॉल्स मस्कुलर हैं वो मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे और फूड जो है यहाँ से फिर पुश हो जाएगा स्टमक में स्टमक के अंदर वेरियस ग्लैंड मौजूद हैं ये ग्लैंड डिफरेंट टाइप्स की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे ये सिक्रीशंस एसिडिक हैं फूड के ऊपर एक्ट करेंगी और इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा फिर इसके बाद मोस्ट ऑफ़ द डाइजेशन एब्जॉर्बशन दैट टेक्स प्लेस इन साइड द स्टमक अब यहाँ पे आप देखें एक रोटी फर्ज जो है इसकी बॉडी की पहले जो हमने एक्सटर्नल फीचर्स की बात की यहाँ पे इसकी बॉडी में है हेड ट्रंक फुट फुट के साथ टोस मौजूद हैं अब इसमें ये सीलिया मौजूद हैं ये कोरोना है फ्लेम सेल्स बात हम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तो यहाँ पे आप देखें स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद हैं ट्रोफाइल मौजूद हैं मेस्टेक्स मौजूद हैं स्टमक है इंटस्टाइन है स्टमक में फूड डाइजेस्ट होगा इंटस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा और जो इसके अंदर वेस्ट पार्टिकल्स हैं दे आर नॉर्मली एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस दैट इज़ प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी तो दिस फिगर नॉर्मली शोज़ द एनाटमी ऑफ द रोटीफर्स के इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा बाकी सिस्टम जो हैं वो भी मौजूद हैं इनमें जो है पीडल ग्लैंड हैं पीडल ग्लैंड जो हैं ये फुट के साथ हेल्प करेंगे इसकी अटैचमेंट में कुछ स्पीशीज़ के अंदर एक्सीएटिड इंटस्टाइन भी है और ये सिलेटेड इंटस्टाइन जो है दिस नॉर्मली बीयर्स द क्लोएकल ब्लैडर दिस ब्लैडर रिसीव्स नॉर्मली एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स इन स्टोरेज अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद हैं प्रोटोनेफ्रिडिया जो हैं ये क्या करेंगे जो क्लोएकल ब्लैडर है दिस रिसीव्स वाटर फ्रॉम प्रोटोनिफ्रीडिया एंड एग्स फ्रॉम द ओवरीज ये दिस आल्सो रिसीव्स द डाइजेस्टिव वेस और क्लोएकल ब्लैडर जो है दिस ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द एक्सटर्नल अपर्चर दैट इज नोन एज एन एस एन एस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फूड विद ट्रंक फिर सारे इसके विजरल ऑर्गेंस जो हैं दे आर प्रेजेंट इन सूडोसिलोम सूडोसिलोम इज फिल्ड विद अ फ्लूड और प्रोटोनिफ्रीडिया दे नॉर्मली

ब्रेन के अलावा गेंगलियनज हैं गेंगलियाज आर कनेक्टेड विद नर्व्स और इनके अंदर गेंगलियॉनिक ब्रेन बाइलोब्ड है टू लेटरल नर्व्स जो है दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस ब्रेन इज़ प्रेजेंट एट द डोसल सरफेस ऑफ द मेस्टेक्स न्यूमरस इसके अंदर सीलियरी क्लस्टर्स मौजूद हैं सेंसरी ब्रिसल्स मौजूद हैं और ये सारे के सारे इसमें अभी आपने देखा कि नर्वस सिस्टम के साथ साथ जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर आल्सो नाओ क्वाइट प्रमिनेंट और दिज आर यूजअली प्रजेंट आइदर ऑन द एंटीने ऑफ द करोने और इनके अंदर फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट्स जो हैं दे आर आल्सो नाओ प्रजेंट ऑन दैड तो इसमें दिस एनिमल इज़ एन इंडिकेशन टुवार्ड्स हायर बॉडी स्ट्रक्चर यानी जिसमें नर्वस सिस्टम के साथ साथ स्ट्रक्चर की अपीरेंस का भी आगाज हो चुका है